दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हमें ये भी नहीं पता कि हवाई जहाज में हॉर्न होता है या नहीं। अरे वो धोबी अपने दो टॉवल चुरा के ले गया। अरे कौन से टॉवल? अरे वही जो अपन शिमला वाले होटल से चुरा के लाए थे। ज्यादा तेज मत चला कर, जब तू ससुराल जाएगी ना तब दिमाग ठिकाना आएगा। किसका, मेरा या ससुराल वालों का? असली मजे तो पतले लोगों के हैं, एक तो ठूस ठूस के खाते हैं और मोटे भी नहीं होते। सिर्फ जिम जाने से बॉडी नहीं बनती है, ए हिलाना बंद कर। सुनीत ने गुस्से में क्यों हो तू? यार देखना, मैं सो रही थी, बिल्ली सारा दूध आकर पी गई। तो यार कपड़े पहन के सोया करो ना। प्यार एक खूबसूरत एहसास है और जो अभी मैंने लाइन बोली वो एकदम बकवास है। वायरस बुरी तरह से फैल चुका है, अभिभावकों से गुजारिश है कि मरने से पहले अपने बच्चों की फीस जमा कर दें। घुसाने का मजा सर्दियों में ही है, रजाई में खुद को। हमारी कॉय है हमें। अरे वाह इतनी स्माइल कैसे हाँ? यार मुझे ना चंदा बड़ी पसंद है। चंदा पसंद है या चंदा के पसंद है? हाय। हेलो जी। जी क्यों बोल रहे हो, मैं तो आपसे छोटा हूँ ना। तो क्या हुआ, रिस्पेक्ट लो, रिस्पेक्ट दो। इसका मतलब चुम्मा लो चुम्मा दो। जिससे उम्मीद लगाओ वही धोखा दे जाता है, अब 2021 को ही देख लो। यार मुझे ना कर्ली हेयर वाली लड़कियाँ बहुत पसंद है। यार मेरे भी तो है। यार कहाँ है? मैंने सिर के कब कहा? बीबी क्या हमें इजाजत है? हमने तो कभी गैरों को मना नहीं किया, आप तो फिर भी अपने हैं। यार तूने कॉल किया था क्या? नहीं गलती से लग गया था 10-15 बार। छुट्टियों के मजे लेते थे और अब छुट्टियां हमारे मजे लेती है। भाई मैं अभी आ रहा हूँ पैन लेके, तुम चॉकलेट खाओगी क्या? क्यों पैन क्या हो गया क्या? यार तुम शादी के बाद कितना बदल गए हो ना। हाँ तो जिंदगी भर गधा ही रहूं क्या? जाना। मैं तुम्हारे इश्क में इतना पागल हो चुका हूँ कि मुझे लाल रंग भी रेड नजर आता है। अगर मेरे माफी मांगने से तुम्हें खुशी मिलती है तो ठीक है यार, तुम दुखी ही रहो। आइए हमारे साथ एक बच्चा जुड़ चुका है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि हमारा वीडियो इनको कैसा लगता है। हाँ तो बताइए। लाउडो जैसा लगता है, ढंग का वीडियो बना कर लिया करो भोसड़ी के, बहुत कमीना वीडियो बनाते हो भोसड़ी। अरे डॉक्टर साहब आपने ये कौन सी दवाई लिख करके दी है, मैं 50 मेडिकल घूम चुकी हूँ कहीं भी नहीं मिल रही है। अरे ये दवाई थोड़ी है, मैं तो पेन चेक कर रहा था कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्यूट सी लड़की को ढूंढ रहा हूँ। ये लो मैं आ गई। अच्छा किया, अब तू भी मुझे उसको ढूंढने में मदद कर।
क्यों, मैं कैसा लग रहा हूँ? एकदम मनहूस है ना। मैं भी अभी आ रहा था तो किसी ने बोला मैं तेरे जैसा लग रहा हूँ। अरे दानिश भाई, चेहरे पे क्या लग रहा है ये? क्यूटनेस है यार। अरे नहीं, सुअरपन है यार ये तो। सही से देखो, सुअरपन लटक रहा है आपके चेहरे। तुम्हें यही कहा ना आटू झाटू वाले। बेबी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम देख तो सकते हो पर ला नहीं सकते? तेरी बहन। देख तो सकता हूँ पर ले नहीं, ला नहीं सकता। मैं तुम्हें इतना याद करूंगा कि तुम्हें हिचकिया नहीं सीधा दिल का दौरा पड़ेगा। तोड़ दूंगा हर एक वो दीवार जो तेरे मेरे बीच में आएगी, क्योंकि मेरी जान मेरा दोस्त जेसीबी चलाता है। ए, तुम ब्यूटीफुल तो लगती हो पर क्या? हेलो, आगे तो बोलो। पर क्या? मत बोलो, मुझे सुनना भी नहीं है। लास्ट चांस दे रही हूँ, प्लीज बोलो ना। प्लीज प्लीज प्लीज। अबे इंस्टाग्राम, अब इंस्टाग्राम ना रहा, जीवन साथी .com हो चुका है। जिसे देखो सेटिंग करने में लगा हुआ है। मन करता है शहर की हर दीवार पे तेरा नाम लिख डालूं। oh, no. लेकिन डर लगता है कोई मुंह ना दे तेरे नाम पर। मुझसे कभी मिले हो? नहीं ना, अच्छे लोग आसानी से नहीं मिलते। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने खुद को टीवी में देखा जब टीवी बंद था। अबे यार बहुत बोर हो रहा हूँ, कोई अच्छा सा जोक सुना दे। अबे वो सब छोड़, ये देख मेरे पापा ने पढ़ाई के लिए नया मोबाइल दिलाया है। क्या जोक मारा?